मैं लेकर आ चुका हूँ हिंदी डब एनिमे लिस्ट और इस लिस्ट में बहुत सारे एनिमे हैं। वेल ये जो हिंदी डब एनिमे की लिस्ट है ये फॉल 2024 की लिस्ट है, मतलब कि दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हमें कौन कौन से एनिमे हिंदी डब में देखने को मिलेंगे उसके बारे में आज जानेंगे। और लिस्ट में इतने एनिमे हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, पर सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो और ट्रू एनिमे लवर हो। फैक्टोरिस पर आपको एनिमे का डोज मिलेगा हर रोज, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लेना डेली अमेजिंग इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। हेलो गाइस, यू आर वॉचिंग फैक्टोरिस। तो बिना देरी के अपने लिस्ट की शुरुआत करते हैं और लिस्ट में जो सबसे पहला एनिमे है जो कि हिंदी डब में आने वाला है वो है ब्लू लॉक सीजन 2। आई होप आपने ब्लू लॉक सीजन 1 देखा हो हिंदी डब में, क्योंकि ये क्रंचीरोल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि सीजन 2 भी हिंदी में आने वाला है। वेल सीजन 2 में आपको टोटल 14 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, तो भरपूर मजा आएगा। वेल लिस्ट में जो नेक्स्ट एनिमे है उसका नाम है डेंडा डेन। वेल ये एक बहुत ही एंटीसिपेटेड एनिमे सीरीज है, क्योंकि इसका इंतजार काफी लोग कर रहे हैं। वेल डेंडा डेन की कहानी घूमती है दो क्लासमेट्स के इर्द गिर्द, मोमे अयासे हाई स्कूल गर्ल और केन ताकापुरा हाई स्कूल बॉय के बीच। मोमो अयासे भूतों पर विश्वास करती है पर एलियन पर नहीं, और वही दूसरी तरफ केन ताकापुरा एलियंस पर विश्वास करता है भूतों पर नहीं। इसी बात पर दोनों में लफड़ा हो जाता है और कौन सही है कौन गलत है यही साबित करने के लिए वो एक ऐसी जगह जाने का डिसीजन लेते हैं जो कि सुपर नेचुरल चीजों से भरी पड़ी है। पहले अयासे जाती है और बाद में ताकापुरा। अयासे को कुछ एलियंस पकड़ लेते हैं और ताकापुरा पर कुछ सुपर नेचुरल घोस्ट का अटैक हो जाता है। इसके आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको एनिमे सीरीज देखना होगा। विदाउट स्पॉइलर मैं आपको जितना बता सकता था उतना मैंने आपको बता दिया, बाकी का फील आपको एनिमे देखने पर मिलेगा। वेल हम अपने लिस्ट को जारी रखते हैं और लिस्ट में जो नेक्स्ट एनिमे है उसका नाम है रेनमा 1/2, और ये एक न्यू रेनमा है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले 90s में रेनमा 1/2 ऑलरेडी आ चुका है। और 90s में आई रेनमा का ये एक रीमेक सीरीज है, और रेनमा का जो ओरिजिनल वर्जन है वो 1987 से लेकर 1996 तक चला था। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इस रीमेक वर्जन को देखने वाले हैं या ओरिजिनल वर्जन को। वेल लिस्ट में जो नेक्स्ट एनिमे है वो एक न्यू एनिमे है जिसका नाम है लॉनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। वेल इस एनिमे सीरीज की जो कहानी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक पूरे क्लासरूम को एक दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है भगवान के द्वारा, ताकि वो हीरोस बन सके, अपने आप को साबित कर सके। अब उस दूसरी दुनिया में सभी को एक एक स्किल चूज करने का ऑप्शन मिलता है। सभी स्टूडेंट्स एक एक पावरफुल स्किल्स चूज कर लेते हैं, पर दोस्तों हर कहानी की तरह यहाँ पर भी एक ऐसा इंसान है जिसे कोई स्किल नहीं मिल पाता है। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है हारुका, वो अकेला रह जाता है दूसरी दुनिया में। वेल हारुका को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो सभी स्किल्स को एक्वायर कर सकता है जो कि बाकी स्टूडेंट्स के द्वारा पिक नहीं किए गए हैं। वेल वो सभी स्किल्स वैसे तो बहुत ही ज्यादा बेकार हैं, पर इस दूसरी दुनिया में हारुका अपनी लाइफ को कैसे जीता है ये देखने के लिए आपको ये एनिमे सीरीज देखना होगा। ये एक लाइट नॉवल बेस्ड एनिमे सीरीज है, तो अगर आपको लाइट नॉवल पर आधारित एनिमे सीरीज देखने में ज्यादा मजा आता है तो ये एनिमे सीरीज भी आपको पूरा मजा देगा। वेल दोस्तों लिस्ट में जो नेक्स्ट एनिमे है जो कि हिंदी डब में आने वाला है उसका नाम है सैंग्रीला फ्रंटियर सीजन 2 कोर 2। और दोस्तों सीजन 1 ऑलरेडी अवेलेबल है हिंदी डब में, आई होप आपने देखा हो, और अगर आपने देखा है तो अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर चेकआउट करें। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने एक और नेक्स्ट एनिमे पर जिसका नाम है रूरोनी केंशिन सीजन 2। हाँ दोस्तों सीजन 1 बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, आई होप आपने देखा हो, और ये भी हिंदी डब में अवेलेबल है और इसका सीजन 2 भी हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों मुझे लगता है कि ये एनिमे अंडररेटेड है, क्योंकि काफी लोगों ने नहीं देखा है, और मे भी ऐसा हो सकता है इसके नाम की वजह से, पर आप बिलीव करें जब आप इस एनिमे सीरीज को देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है सीजन 1 हिंदी डब में आप जाकर जरूर चेकआउट करना, और जिन्होंने देखा है उनसे बस मैं यही कहूंगा कि आप अपना रिव्यू दे देना ताकि और ज्यादा लोग डिटेल में समझ सके एनिमे सीरीज को, और जिन्होंने नहीं देखा है वो चेकआउट कर सके। वेल दोस्तों सीजन 2 जितने भी थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है जो हिंदी डब में आने वाले हैं। अब जिनके बारे में बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ही फ्रेश माल है। वेल फ्रेश वो भी थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, पर अब जिनके बारे में बताने वाला हूँ वो और ज्यादा फ्रेश है। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे कि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट एनिमे के बारे में बता रहा हूँ, आप भी डिफरेंट डिफरेंट एनिमे टी शर्ट खरीद सकते हो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। 400 to 600 के बजट में बेस्ट क्वालिटी के टी शर्ट आप खरीद सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, तो जाओ खरीदो पहनो एंजॉय करो। वेल वापस आते हैं हम अपने वीडियो के टॉपिक पर और बात करते हैं और कौन कौन से एनिमे हिंदी डब में आने वाले हैं इस सीजन फॉल 2024 में। वेल दोस्तों लिस्ट में जो नेक्स्ट एनिमे है वो है ड्रैगन बॉल डाइमा, और ड्रैगन बॉल डाइमा हिंदी डब में कब आएगा इसके रिलीज डेट के रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख लेना अगर आपको एग्जैक्ट रिलीज डेट जानना है तो। पर ड्रैगन बॉल फैंस हो जाओ तैयार, क्योंकि गोकू वापस आ रहा है। ड्रैगन बॉल डाइमा इसीलिए ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये अकीरा तोरियामा सेंसे का लास्ट प्रोजेक्ट है। वेल देखा जाए तो अकीरा तोरियामा सेंसे ने ड्रैगन बॉल
की शुरुआत भी किड गोकू से की और एंडिंग भी किड गोकू से ही की। मतलब ये नहीं है कि ड्रैगन बॉल सुपर 2 नहीं आएगा, ड्रैगन बॉल सुपर 2 भी आएगा। और ड्रैगन बॉल सुपर 2 के रिलेटेड क्या न्यू और लेटेस्ट अपडेट है इसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाया हूँ, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। दोस्तों जो नेक्स्ट एनिमे है उसका नाम है ब्लू बॉक्स। ये भी एक ताजा तरीन फ्रेश माल है जिसे आप देख सकते हैं इस फॉल 2024 में हिंदी डब में। वेल दोस्तों लिस्ट में जो नेक्स्ट एनिमे है जो कि हिंदी डब में आने वाला है वो री इनकारनेशन के रिलेटेड है। वेल इस एनिमे का नाम है इफ माई वाइफ बिकम्स एन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट। वेल दोस्तों इस एनिमे सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा हीरो है उसकी एक पत्नी है वो मर जाती है कार एक्सीडेंट में। वेल वो बहुत ही अकेला फील हो चुका है और वो अपनी बेटी पर भी ध्यान नहीं देता है। उसकी बेटी बहुत ही सुंदर है, उसे सेट करने की कोशिश आप मत करना, क्योंकि अचानक ही एक रात उसके दरवाजे पे एक स्कूल स्टूडेंट आ जाती है और वो दावा करती है कि वो उसकी पत्नी है और उसका री इनकारनेशन हुआ है। वेल इस एनिमे सीरीज में और क्या क्या होगा वो जानने के लिए आपको एनिमे सीरीज देखना होगा जब ये आएगा। वेल इसके बाद जो लिस्ट में नेक्स्ट एनिमे है वो भी नॉवल सीरीज के ऊपर बेस्ड है और इस एनिमे सीरीज का नाम है डीमन लॉर्ड 2099। वेल इसके हिंदी डब में आने के चांसेस थोड़े से कम है बाकी एनिमे के मुकाबले, पर हाँ ये भी हिंदी डब में आ सकता है। वेल इसके बाद जो लिस्ट में नेक्स्ट एनिमे है उसका नाम है याकुजा फियांसे। वेल याकुजा फैमिली की कहानी को दिखाया गया है इस एनिमे सीरीज में और ये एनिमे सीरीज भी आपको हिंदी डब में देखने को मिल सकता है। वेल दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं किया, और सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग एनिमे रिलेटेड वीडियोस आपको डेली देखने को मिलेंगे। वेल लिस्ट में से अगर मैं नेक्स्ट एनिमे की बात करूँ तो उसका नाम है आई विल बिकम अ विलनेस हु गोज डाउन इन द हिस्ट्री। ये भी एक लाइट नॉवल बेस्ड एनिमे सीरीज है जिसे जूमी ओकिडो ने लिखा है। वेल इसके बाद लिस्ट में जो नेक्स्ट एनिमे है उसका नाम है टाइंग नॉट विथ एन अमागी सिस्टर। वेल इस एनिमे सीरीज में आपको कहानी देखने को मिलेगा एक ऐसे लड़के की जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना चाहता है। वेल उसकी लाइफ बहुत ही ट्रेजेडी भरी है, वो अनाथ है। वेल उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब उसे शादी करने का मौका मिलता है। एक प्रीस्ट उसे ऑफर करता है कि उसकी 3 ग्रैंड डॉटर्स है, वो उनमें से किसी एक से शादी कर सकता है। मुझे पता है ऐसा मौका तुम्हें भी चाहिए। हाँ मुझे भी चाहिए, मतलब कि तुम समझ रहे हो आगे से ऑफर आ रहा है। वेल इसमें आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको इसे देखना होगा। वेल हम चलते हैं अपने लिस्ट के नेक्स्ट एनिमे पर और आप जाओ इंस्टाग्राम पर और फॉलो करो फैक्टोलिस को, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी आपको एनिमे और एंटरटेनमेंट का डोज मिलता रहेगा। जिन्होंने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है वो कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। वेल अगर हम नेक्स्ट एनिमे की बात करें जो कि हिंदी डब में आने वाला है उसका नाम है गुड बाय ड्रैगन लाइफ। वेल इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एनिमे की बात करें तो वो एनिमे है ट्रिलियन गेम। वेल इसकी रिलेटेड एक सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। वेल आप भी अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें भी पता चले कि कौन कौन से एनिमे हिंदी डब में आने वाले हैं, ताकि वो भी फॉल में बहुत सारे एनिमे का मजा उठा पाए। तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। वेल लिस्ट में जो नेक्स्ट एनिमे है उसका नाम है कागाकू बोकेन सर्वाइवर। वेल अगर हम नेक्स्ट एनिमे की बात करें तो वो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट 365 डेज टू द वेडिंग। दोस्तों ये एनिमे सीरीज भी हमें हिंदी डब में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यही था धमाकेदार लिस्ट जो एनिमे हिंदी डब में आने वाले हैं, उन सभी एनिमे की बात हमने इस वीडियो में की। वेल इसके अलावा 2-4 एनिमे और भी हिंदी डब में आएंगे जिनकी बात हमने इस वीडियो में नहीं की। वेल इस वीडियो में हमने जिनकी बात की उनमें से 2-4 एनिमे नहीं भी आएंगे। ड्रैगन बॉल डायमा से पहले जितने भी एनिमे के नेम मैंने बताए वो 100% कन्फर्म है कि हिंदी डब में आएंगे, और ड्रैगन बॉल डायमा के बाद मैंने जितने एनिमे के नेम बताए हैं वो भी ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि हिंदी डब में आएंगे, पर वो 100% कन्फर्म नहीं है। पर दोस्तों जितने भी एनिमे के नेम मैंने बताए वो सारे हमें हिंदी डब में देखने को मिलेंगे, आप बेफिक्र रहो। वेल जितने भी नेम मैंने आपको इस वीडियो में बताए उनमें से आप किस एनिमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, किस एनिमे को आप हिंदी डब में देखना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपको एक ऐसी लिस्ट चाहिए जिसमें मैं बात करूं सभी हिंदी डब एनिमे की तो वो लिस्ट भी आ जाएगी, पर उसके लिए इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब का बटन दबाओ। आई होप दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको मजा आया हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में। और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, मेहनत बहुत लगता है पर अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो के लास्ट में बस यही कहूंगा, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, आप देखते रहो फैक्टोलिस।